उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुई वारदात को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। रामपुर में शुक्रवार को कांग्रेस नगर अध्यक्ष मामून शाह खां के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता चुंगी चौराहे पर एकत्रित हुए थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्रा और सीओ सिटी विद्या किशोर शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी कांग्रेसियों को हाथरस जाने से पहले ही हिरासत में ले लिया। पुलिस सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने लेकर पहुंची, जहां कुछ घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हाथरस की बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ उसको मार दिया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और दोषियों के खिलाफ हम मांग करते हैं देश के राष्ट्रपति महोदय से कि उन दोषियों के खिलाफ फांसी होना चाहिए। उसको लेकर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज हाथरस जा रहे थे, उस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पर रोक लिया गया। हम उसकी निंदा करते हैं।